हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या चैप्टर 5 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, कि यह एपी क्या होता है। तो बाय डिफिनेशन अगर हम देखेंगे तो लिखा है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस और द सीरीज ऑफ अ नंबर। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, सीरीज ऑफ सच नंबर सच दैट द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिकेटिव नंबर्स इन द सीरीज इज कॉन्स्टेंट। मतलब एपी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो कंजिकेटिव नंबर जो होते हैं, कंजिकेटिव नंबर का मतलब होता है, कंजिकेटिव का मतलब होता है कि एक नंबर के बाद, जो सीरीज में एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है? सेम होता है। उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक ऐसी सीरीज जैसे दिया हो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये एक ऐसी सीरीज है जहां पर देखेंगे कि जो कॉन्जिकेटिव नंबर, जैसे कॉन्जिकेटिव नंबर 2 और 4, और उसके बाद क्या है? 4 और 6, 6 और 8, 8 और 10। तो एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्जिकेटिव नंबर। तो इनके देखेंगे हर एक कंजिकेटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वह 2 है। ये डिफरेंस क्या है? हर एक नंबर कंजिकेटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, या बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस है, सभी के बीच का जो डिफरेंस है वह क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब एक जैसा डिफरेंस है। और जब एक जैसा डिफरेंस होता है तभी हम बोलते हैं कि इनका जो डिफरेंस आया है वो कांस्टेंट आया है। कांस्टेंट क्या होता है? जो कभी बदलता ना हो। मतलब एक ऐसी सीरीज दी हुई हो जिसके हर एक कंजिकेटिव नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस आता हो वह हमेशा एक जैसा हो, जो कभी बदलता ना हो। चलिए हम बात कर लेते हैं कि यह एपी से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं। तो हम आपको बता दें एपी क्या है। मान लेते हैं कि हम जहां पर कहीं पर हम जॉब करने गए, तो उन्होंने कहा भाई हम आपकी बेसिक जो सैलरी है वह रखेंगे 10,000 रखेंगे, और उसके बाद हर साल हम इंक्रीमेंट करेंगे 1,000 का। मतलब उन्होंने कह दिया कि आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी पहले, जो पहले साल जहां से आप शुरुआत करेंगे वह रहेगी आपकी 10,000, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आपका हर एक साल जो है 1,000 का हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो भाई पहले साल आपकी जो बेसिक सैलरी रहेगी वो हो जाएगी 10,000। अब अगले साल क्या हुआ? 1,000 का हुआ इंक्रीमेंट, तब आपका हो गया ये 11,000। इसके बाद अगले साल हो जाएगा 12,000, फिर आ गया आपका कितना? 13,000। ऐसे तो अब ये एक ऐसी सीरीज बन गई है जिसमें हर एक कंजिकेटिव नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वह 1,000 है। इसी को हम बोलेंगे एपी। और इससे हम निकाल सकते हैं कि अगले आने वाले जो 13 साल या 14 साल या 15 ईयर 20 ईयर के बाद में जो हमारी सैलरी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद हम फार्मूला बताएंगे कैसे निकाला जाता है। तो अभी तो हम बस बेसिक बता रहे थे एपी क्या होती। तो एपी क्या होती? एक ऐसी सीरीज होती है जिसके हर एक कंजिकेटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है? कॉन्स्टेंट डिफरेंस होता है। चलिए इसके बाद हम जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जो जनरल फॉर्म होता है हर एक टर्म का वह क्या होता है? तो यहां पर क्या है, हम लेट कर, एक तो होता है क्या जनरल फॉर्म, ए होता है, ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2 डी होता है, ए प्लस 3 डी, ऐसे ही बढ़ता जाएगा।
इसके बाद अगर और टर्म निकालना चाहते हैं, फिफ्थ टर्म निकालना चाहते हैं, तो ए प्लस फोर डी हो जाएगा। यहाँ पर ए क्या है, ए जो है एपी का होता है फर्स्ट टर्म होता है, ए एपी का क्या है फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है हर एक कंजुगेटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पर जो ये एपी का ये जनरल फॉर्म होता है ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे बढ़ता जाएगा, इसका सीरीज बढ़ता जाएगा, जहां पर ए क्या है इस एपी का, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है हर एक कंजुगेटिव टर्म के बीच का एक कॉमन डिफरेंस है। जैसे एपी क्या है, पहली एपी ए है, मतलब एपी का पहला टर्म ए है, उसके बाद क्या हुआ हर एक टर्म में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना डी का, जितना इसमें कॉमन डिफरेंस है, तो दूसरा कितना हो जाएगा ए प्लस डी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस डी, और डी में एक और डी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टू डी, और ऐसे जाएगा, फिर आ जाएगा ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, और यह ऐसा चलता जाएगा। तो यह आपका कहलाता है पहला टर्म ए वन, ये दूसरा टर्म ए टू, ये तीसरा टर्म ए थ्री, ये फोर्थ टर्म होता है ए फोर हो जाएगा। चलिए फोर्थ टर्म तक ही रखते हैं, फोर हो गया। तो ये एपी का क्या होता है जनरल फॉर्म, जहां पर ए प्लस डी को हम बोलते हैं ए टू, ए प्लस टू डी को ए थ्री, और ए प्लस फोर डी क्या होता है ए फोर होता है, फोर्थ टर्म होता है। चलिए ये तो हो गया एपी के बारे में जान लिए, एपी का जनरल फॉर्म हम जान लिए। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आप कोई एक सीरीज दे दिया, जैसे मान लेते हैं एक सीरीज दे दिया थ्री, फिर नाइन, फिफ्टीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी सेवन, एक ऐसी आपको सीरीज दे दिया। अब इस सीरीज के बाद आपको ये नहीं बताया कि यह एक एपी है, आपसे पूछा कि बताइए कि यह एपी है कि नहीं है। तो जब भी हमें पहचानना, कोई भी सीरीज को दिखाना हो कि यह एपी है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जितने भी टर्म दिए होते हैं हर एक टर्म के बीच में हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, अगर सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वह एपी होती है, मतलब जो यह सीरीज दिया है यह एपी तब हो जाएगी जब इनके कंजुगेटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो वह एक जैसा हो जाए। जैसे पहले जो डिफरेंस निकालते हैं वो क्या होता है ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन मतलब दूसरे टर्म से आप पहले टर्म को माइनस कर दो, और वह इक्वल आना चाहिए ए थ्री माइनस ए टू के, और वह इक्वल आ जाए ए फोर माइनस ए थ्री के, ऐसे निकाल लें। और जितने भी टर्म दिए हो हर एक कंजुगेटिव टर्म के बीच का हम क्या निकाल लें, डिफरेंस निकाल लें। चलिए यहां निकालते हैं, देखो यहां ए टू क्या है नाइन है, नाइन से माइनस कर दें हम थ्री को, इसके बाद आप देखेंगे ए थ्री मतलब थर्ड वाला टर्म आपका फिफ्टीन है, माइनस करना है सेकेंड टर्म, नाइन दिया हुआ है तो यहां पर हो जाएगा 15 माइनस नाइन। अब इसके बाद दिया हुआ ए फोर, तो ए फोर पे आप देखेंगे कि फोर्थ वाला टर्म वन टू थ्री फोर्थ, फोर्थ नंबर पे दिया है 21, तो भाई हम 21 माइनस कर दिए 15 को। अब 9 से आप 3 को माइनस करो तो 6 आएगा, 15 से 9 को माइनस करें 6 आएगा, 21 से 15 को माइनस करेंगे 6 आया। तो यहां पर हमने देखा कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, इनके जो भी ये कंजुगेटिव टर्म थे इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वह एक जैसा आया, मतलब कांस्टेंट आया, सिक्स एक बार आ गया है तो लगातार सिक्स ही आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा जो गिवन सीरीज हो जाएगी यह एक एपी हो जाएगी। तो ऐसे हम बताते हैं किसी भी सीरीज को, एपी को वेरीफाई करते हैं कि उनके कंजुगेटिव टर्म का हम क्या निकालते हैं डिफरेंस निकाल के। चलिए इसके बाद हम जानते हैं टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
यह एपी जो होती है, एपी कितने टाइप की होती है? तो एपी का टाइप में जानेंगे, तो एपी जो होती है वह दो टाइप की होती है। पहला एक आपका फाइनाइट होता है एपी, दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी होता है। फाइनाइट एपी का मतलब, फाइनाइट एपी के नाम से ही पता चलता होगा कि एक ऐसी सीरीज जो एपी हो दी हो जिसका जो लास्ट टर्म हो वह पता हो हमें। मतलब कोई भी एपी अगर हम लिख दें, जैसे एग्जांपल में इन्होंने दिया है 3 5 7 9, उसके बाद आपका हो गया 11, 10 10 10 किया, और लास्ट वाला टर्म हमको पता है कि लास्ट वाला टर्म हमको पता हो कि वह क्या है 21। मतलब यह एपी 3 से शुरू हुई हो और 21 पर खत्म हो रही हो, मतलब तो इसका हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और इसका हमें लास्ट टर्म भी पता है। यह एक ऐसी एपी है जिसका लास्ट टर्म हमको पता है, और जिसका लास्ट टर्म हमें पता होता है उसी एपी को हम बोलते हैं फाइनाइट एपी, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अच्छा, इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट में क्या हो जाता है, इससे पहला दिया है 5, फिर 10, फिर 15 और फिर 20, और फिर हम बढ़ते चले जाएं। कहाँ तक जाएं इसकी कोई सीमा नहीं, मतलब बढ़ते हुए आप चले जाइए, आपको 5 के मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो 5 10 15 20, इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई लास्ट टर्म ना दिया हो, जिस एपी का कोई लास्ट टर्म ना दिया हो वह कहलाती है आपकी इनफाइनाइट एपी, और जिस एपी का आपको लास्ट टर्म पता हो उसे हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। अब इसके बाद हम जानते हैं nth टर्म ऑफ एपी, कि किसी भी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उस एपी का nth टर्म क्या होता है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है, an इक्वल टू होता है a+n-1 × d। मतलब जब भी हमें निकालना हो, मान लेते हैं हमें a6 निकालना हो, a6 मतलब क्या होता है, 6 टर्म निकालना हो, तो 6 टर्म निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका a, और n की जगह पर आप रख देंगे 6-1 × d, तो ये आपका आ जाएगा a+5 d। मतलब जब भी अगर आप 6 टर्म निकाल रहे हैं तो d के साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें एक कम कर देंगे। अगर 11th निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं हम 11th टर्म निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा a+n-1, मतलब 11-1 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, a+10 d हो जाएगा। तो ऐसे हम का इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं एपी का। वो तो पता है, पहले ही बताया था कि यहाँ पर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, जो हमें टर्म निकालना है, फाइंड आउट करना है, उसकी जगह पर हम एन की जगह पर वो वैल्यू रख देंगे, और ए एन क्या है, एनथ टर्म को डिनोट कर रहा है कितने टर्म है। जैसे हम यहां पर लिख दें a6, तो a6 क्या हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा। अगर हम यहां लिख दें a11, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11th टर्म। तो वैसे ही an इक्वल टू क्या हो जाएगा, nth टर्म, मतलब an क्या होता है, nth टर्म ऑफ ap, और nth टर्म ऑफ ap क्या होता है, a+n-1 × d। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी एपी का एनथ टर्म निकाल लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल भी करा देते हैं, जैसे एक एपी दे रखा है 4 8 12, फिर 16 और 20, और इसके बाद वाला टर्म नहीं दिया है। अब यह दे दिया जाए कि एक यह एक सीरीज है जो एपी है, और इस एपी का हमें निकालना है 12th टर्म निकालना है, कि अब बताओ इस एपी का 12th टर्म क्या होगा। तो हमें पता है कि इस एपी का जो पहला टर्म होता है वह ए हो जाता है, तो ए आपका हो जाएगा 4। डी निकालते हैं, डी क्या होता है, हर एक टर्म के बीच, कंजुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है। तो यहां पर देखेंगे 8-4 करेंगे 4 आएगा, 12-8 करेंगे 4 आएगा, 16-12 करेंगे 4 आएगा, तो सभी के बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब डी आपका आ जाएगा 4। हमें निकालना कौन सा टर्म है, 11th टर्म, 12th टर्म निकालना है, तो a 12 इक्वल टू,
तो फॉर्मूला क्या होता है, ये निकालना है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहां पर एन की जगह पर हमें क्या रख देना है, 12, तो यहां पर हो जाएगा ए 12। अब ये ए, ए की वैल्यू क्या है 4, और एन की जगह रख देंगे 12 माइनस वन, और डी हो जाएगा आपका 4, ये निकाला है हमने, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये 12 माइनस वन करेंगे 11 आ जाएगा, 11 इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, और 11 4 जा 44, ये आ जाएगा आपका 48। तो इस तरह हम किसी भी गिवन एपी का कोई भी टर्म निकालते हैं, जैसे यहां पर हमने निकाला है 12 टर्म। चलिए अब इसके बाद हम जान लेते हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब जब कभी किसी भी, अभी तक हमने फार्मूला बताया कि किसी भी एपी का जो nth टर्म निकालने का फार्मूला बताया, अब क्या है एपी दिया हुआ है, उस एपी के जो n टर्म है उनका सम क्या होता है, जैसे सम ऑफ एपी का फार्मूला होता है n बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फार्मूला का हम यूज करके किसी भी एपी के जितने भी टर्म पूछ रहा है उसका सम निकाल सकते हैं। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से एक एपी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। अब यहां पर कह दें कि फाइंड करो, फाइंड सम ऑफ 15 टर्म, चलिए 15 टर्म। अब यहां पर हमें कह दे कि भाई फाइंड करना है आपको 15 टर्म जो है एपी का उसका सम क्या होगा, तो भाई 15 टर्म का जब सम पूछ रहा हो तो यहां नॉर्मल सी बात जानते हैं, ए कितना दिया है 3, डी निकालेंगे तो इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो डी हो जाएगा 2, और एन जितने टर्म का पूछ रहा है एन कितना हो जाएगा आपका 15, तो ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है और एन दे दिया आपका 15 दे दिया। अब कह रहा है कि इसके जो भी एपी हमने दिया है इस एपी के 15 टर्म का सम क्या होगा, तो यहां पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू और ब्रेकेट में होता है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ऐसे फॉर्मूला लगा देंगे, ये सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हम रखेंगे एस एन की वैल्यू क्या है 15 लिख देंगे, यहां लिख देंगे 15 बाई टू और उसके बाद क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी है 3, यहां 3 लिख देंगे प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2, तो डी की जगह पर हम रख देंगे 2 रख देंगे। अब यहां पर लिख देंगे क्या 15 बाई टू, अंदर सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट को, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 में 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, और ये इंटू में आ जाएगा 2, अभी और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस 14 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, तो ये हो जाएगा 28, और ये आ जाएगा आपका 15 बाई 2 और ये हो जाएगा 34, 2 से कट कर देंगे 17 आ जाएगा, और 15 और 17 का आप मल्टीप्लाई कर लो तो 17 5 जा होता है 85 होता है, 8 हो जाएगा यदि, और 17 बन जा होता 17, 17 में 8 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 25। तो ये आपका जो S 15 आ गया, इस AP का 15 टर्म का जो सम है हम डायरेक्ट निकाल लिया, इसे हमको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम क्या किए फार्मूले का यूज किए और इसके 15 टर्म का जो सम है वह निकल के आ गया 255। तो इस तरह कोई भी एपी दिया हो तो उसका भी जब ए दिया हो एन दिया हो और डी कॉमन डिफरेंस दिया हो तो उसका हम सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस तरह पूरा प्रोसेस करके हम उसके सम को निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद दे रखा है दूसरी कंडीशन सम ऑफ एपी व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। अच्छा कोई भी एपी, मैंने बताया था ना
ये हो सकती है इनफाइनाइट एपी हो, और कोई एक ऐसी एपी हो जो फाइनाइट एपी हो, जिसका लास्ट टर्म क्या हो, गिवन हो, तो उसका एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है एस इक्वल टू होता है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो जाएगा एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल हो जाएगा, और एल क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी होता है। तो किसी भी एपी का जिसका फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो, उसका सम का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए प्लस एन बाई टू और ब्रैकेट में ए प्लस एल। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल लेके। यहां ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, ये दिया हो 2, 5, 8, 11, 14 और डैश डैश करके, अब यहां पर 29 दे रखा है। तो 29 दे दिया है, ये क्या है, लास्ट टर्म दे दिया है, ये क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म पता है हमें, और कह रहा है कि अब बताइए भाई इस एपी का सम क्या होगा, इस एपी का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इस एपी का जब सम फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां पता है ए की वैल्यू हमें पता है 2 लिख देंगे, डी देखेंगे हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 3 दिया है, और जो 29 है ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम एल या ए एन इन दोनों में से किसी से भी लिखते हैं। तो एल इक्वल टू आपका दे दिया 29, तो आप फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे। लेकिन एक समस्या यहां पर आई, यहां ए दिया है, डी दिया है, एल दिया है, लेकिन दिया नहीं क्या, एन नहीं दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले एन हमारा दिया हुआ है, इसका यूज करके सबसे पहला काम है कि एन निकाल लें, हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लें। तो आपको पता है, हमने बताया ए एन इक्वल टू होता है, ये दिया हुआ है पहले 29, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, इक्वल टू हो जाएगा 29। सबसे पहला काम, पहले एन हमें फाइंड आउट करना होगा, ए कितना दिया है 2, एन नहीं पता है हमें, डी दे रखा है आपका 3, इक्वल टू हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा ए, और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n आ जाएगा, सॉरी ए की वैल्यू तो हमें पता है 2 रख दिया, 3 बन जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 29 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 3n ऐसे लिख देंगे, 2 प्लस का है, माइनस 3 है, घट जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस 1 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 29, और ये 3n इक्वल टू हो जाएगा 29 प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका 30। तो यहां से आपने देखा कि n की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 30/3, तो ये आ जाएगा 10, n की वैल्यू आ गई 10। जब आपको n पता हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म पता हो जाएगा, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस एपी का सम निकाल सकते हैं। तो भाई हम सम निकाल रहे हैं, तो एस 10 निकाल रहे हैं, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जब लास्ट टर्म दिया होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन, ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ ए पी दिया हुआ है, एन की जगह पर रख देंगे हम क्या, 10/2, और ए कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू दे रखी है 2, ये 2 हो जाएगी, प्लस ए एन कितना है 29, अब यहाँ पर ये कट कर देंगे 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 3 15। तो ऐसे हम निकालते हैं, जब किसी भी एपी का फाइनाइट एपी दिया हो, जिसका लास्ट टर्म गिवन हो लेकिन एन नहीं पता हो, तो सबसे पहला काम क्या है, एन का फॉर्मूला लगा के आप एन फाइंड आउट करेंगे। जब आपका एन फाइंड आउट हो जाएगा, तब एस एन का ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला होता है
एन बाई टू ए प्लस एन ए एन लिखते हैं या ए एन की जगह पर एल होता है, दोनों क्या होते हैं लास्ट टर्म ऑफ ए पी होते हैं। तो इस तरह निकाल लिए। तो ये तो हो गई बेसिक प्रॉपर्टी, जो जो फॉर्मूले का यूज हुआ है सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। बाकी का जो भी एक्सरसाइज जो है वो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।